कानपुर कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे एंड गैंग के एनकाउंटर के बाद से ही प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है सियासी दल लगातार इस मुद्दे के सहारे ब्राह्मण वोट बैंक में सिंध की कवायद कर रहे हैं यही वजह है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सरकार को किसी न किसी बहाने घेरने पर लगी है इसी क्रम में यूपी में ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठा रहे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के उस ट्वीट आरोप आभार जताया है जिसमे उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है जितिन प्रसाद ने मायावती के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है कि मायावती जी आपने हमारे समाज के बारे में जो अपनी बात रखी है उसके लिए वो अपने समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं ब्राह्मण वोट बैंक की आड़ में शुरू हुई राजनीति के बीच बहुजन समाज पार्टी भी उस वक्त कूद गई जब मायावती ने एक के बाद एक दो ट्वीट कर लिखा बी का मानना है की कि किसी गलत व्यक्ति के अपराध की सजा के तौर पर उसके पूरे समाज को प्रताड़ित व कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए इसलिए कानपुर पुलिस हत्याकांड के दुर्दांत विकास दुबे व उसके गुर्गो के जुर्म को लेकर उसके समाज में भय व आतंक की जो चर्चा गर्म है उसे दूर करना चाहिए साथ ही यूपी सरकार अब खासकर विकास दुबे कांड के आड़ में राजनीति नहीं बल्कि इस संबंध में जनविश्वास की बहाली हेतु मजबूत तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई करें तो बेहतर है सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे अब ब्राह्मण समाज भी यहां अपने आप को भयभीत आतंकित और असुरक्षित महसूस करें